हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम ऑन माय चैनल। मैं स्विदार्ना। जैसा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं क्लास टेंथ में आए होंगे, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास टेंथ। इजी है, और अगर मेरी वीडियोस देखोगे तो और भी इजी लगेगी आपको। मैं सारी वीडियोस डालूंगी क्लास टेंथ की, और बाय टॉपिक वाइज ही डालूंगी। तो जैसे कि मैंने आज एक नया टॉपिक जो है लिया है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड द एच सी एफ ऑफ 4, 4, 1, 5, 6, 7 एंड 6, 9, 3। यानी कि यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, एच सी एफ निकालेंगे 4, 4, 1, 5, 6, 7 और 6, 9, 3 का। ठीक है, आइए अपना एच सी एफ निकालते हैं। और बहुत ईजी है, बच्चों वाला तरीका है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चले आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम किसका यूज़ करेंगे, यूक्लिड्स एल्गोरिदम का, बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम। ठीक है, हम किसका यूज़ करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे। तो हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, हम देखो, पहले हम इन दोनों नंबर का एच सी एफ निकालते हैं। तो हम एच सी एफ निकालते हैं 4, 4, 1 और 5, 6, 7 का। तो यहाँ पर आपका 5, 6, 7 बड़ा है, किससे बड़ा है, 4, 4, 1 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5, 6, 7 को 4, 4, 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक, 5, 6, 7 को 4, 4, 1 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो ये बन जा जाएगा 4, 4, 1। 7 में से 1 गया 6, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 126 आया। इसको लिखते कैसे हैं, 5, 6, 7 को मैंने डिवाइड किया, क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन्ट। ठीक है, मतलब क्वेश्चन लिख लो या डिवाइजर, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन्ट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये हमने एक स्टेप इसका लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4, 4, 1 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, किसको डिवाइड करेंगे, 4, 4, 1 को, देखेंगे किससे जाएगा। तो ये शायद मेरा 4 जा तो नहीं जाने का, लेकिन 3 जा चला जाएगा। तो 3 जा डिवाइड करेंगे, 3, 6 जा 18, 3, 2 जा 6 और 1, 7, 3, 1 जा 3। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस, 11 में से 8 गया 3, 13 में से 7 गया 6 और 3 में से 3 गया 0। यानी कि अब की बार मैंने किसको डिवाइड किया, 4, 4, 1 को, सॉरी। ठीक है, 4, 4, 1 को मैंने किससे डिवाइड किया, 126 से। कितनी बार में गया, 3 बार में गया, 126 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर, यानी कि 63। अभी भी मेरा रिमाइंडर 0 तो नहीं आया। ठीक है, वही जो हम बचपन में करते थे। अब 126 को अंदर रख लो, 63, 2 जा 126, रिमाइंडर कितना आया, 0। तो ये आपका कितना आया, 126, यानी कि 63 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, किससे डिवाइड करने पर आपका 0 आया, 63 से डिवाइड करने पर। तो 63 क्या हो गया आपका, एच सी एफ। तो हियर 63 इज एच सी एफ ऑफ किसका, 4, 4, 1 और 5, 6, 7 का इनका एच सी एफ है। अब हम जो भी हमारा एच सी एफ आया है उसका थर्ड नंबर जो है हमारा 6, 9, 3 उसके साथ एच सी एफ निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं नाउ अगेन। ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करना, अगेन बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड, वी हैव टू फाइंड एच सी एफ किस किस का, 63 जो पहले दो नंबर का एच सी एफ आया है एंड जो आपका थर्ड नंबर रिमेनिंग है, वही तरीका है। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पे हमारा 6, 9, 3 बड़ा है 63 से। तो हम क्या करेंगे, 6, 9, 3 को डिवाइड करेंगे 63 से, 63, 1 जा 63। ठीक है, 9 में से 3 गया 6 और 6 में से 6 गया 0, उतारा 3, 6, 1 जा 63। तो मेरा क्या आया, 6, 9, 3 आया मेरा, 63 × 11 प्लस 0, ये तो पहली बार में 0 हो गया, यानी कि 63 इसका भी एच सी एफ है। नाउ एच सी एफ ऑफ किसका,
4415678693 is 63। और यही मुझे फाइंड करना था, यही सिंपल आपका यूक्लिड एल्गोरिथम है। ठीक है, होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। तो ऐसे ही अच्छे सारे टॉपिक अगर आपको कवर करने क्लास 10th के, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।